हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हार्ट वाइज के एक नए वीडियो में। पिछले कुछ दिनों में कई सारे नए सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने लायक समझा। एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारे कमेंट्स मिले। उन्हीं कमेंट्स में से कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे कि शादी के बाद या फिर रिलेशनशिप के कुछ महीने बाद आपका जो पार्टनर है उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है या फिर बहुत कम हो गया है, पहले जैसा अब नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा होगा, ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। एक ऐसी स्टोरी हमने सुनी थी बचपन में, जब एक राजा को अपने पैरों को धूल से बचाने के लिए उनके जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने सजेशन दिया था कि पूरी दुनिया को चमड़े से मोड़ दिया जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बहुत कोशिशों के बाद भी। पर वहीं पे एक मोची आके बोला कि आप दुनिया को मत ढकिए, आप अपने चरणों को, अपने पैर को चमड़े से ढक दीजिए। और वैसे ही शूज, जूतों का आविष्कार हुआ। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि अगर किसी का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है तो सोचने वाली बात है कि क्या गलती आपकी थी, क्या इसमें आपका हाथ था। मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा। एक लड़का और एक लड़की जब पहली बार मिलते हैं, इन 90% केसेस, और सिर्फ लड़का लड़की नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम अपना रियल फेस नहीं शो करते हैं फर्स्ट मीटिंग में। एक इंसान के साथ जब हम लोग पहली बार मिल रहे हैं तो वहां पे हम लोग अपने जो ट्रू सेल्फ है उसको नहीं दिखाते हैं, उसको नहीं शो करते हैं। वी ट्राई टू बी एज नाइस एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके सामने वाले के सामने खुद को अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे हैं फिर भी अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो नहीं है वो प्रिटेंड करते हैं ताकि सामने वाले को आप अच्छे लगो। अब नॉर्मल बिजनेस मीटिंग्स में तो एक या दो बार ही मीट होता है एक दूसरे के साथ और उसमें काम बन जाता है, लेकिन जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है या फिर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो तब तक ये प्रिटेंड करते हैं जब तक सामने वाला हाँ ना बोल दे या राजी ना हो जाए रिलेशनशिप के लिए। दिक्कत यही है कि अगर वो सिलसिला 5 महीने तक चल रहा है, 6 महीने तक चल रहा है, तो 6 महीने तक एक लड़का या एक लड़की प्रिटेंड करते रहते हैं जब तक दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ गए। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया तब रियल फेस धीरे 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 पता चलता है। एक लड़का एनिमल लवर है नहीं, उसको एनिमल से कोई प्यार नहीं है, फिर भी बस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ओ आई लव डॉग्स, आई लव एनिमल्स। एक लड़की अपने माँ बाप से उतना भी ज़्यादा प्यार नहीं करती है, लेकिन बस स्वीट और बबली और किसी लड़के को इम्प्रेस करने के लिए आई लव माई मॉम, ऐसा होता है। वो देख के कोई लड़का इम्प्रेस हो गया या फिर कोई लड़की इम्प्रेस हो गई, वैल्यूज मैच हो गए, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार पहले देखिए, एक लड़के को या फिर एक लड़की को क्या अच्छा लगता है, वो दोनों वैल्यूज मैच होते हैं तब जाके वो अट्रैक्शन जिंदगी भर बना रहता है। आपने क्या किया? फेक वैल्यू शो की अपनी, जो कि सामने वाले को पसंद आ गई, और उसके बाद धीरे धीरे आफ्टर रिलेशनशिप या मैरिज आप चेंज हो गए, आप अपना रियल फेस अभी बाहर आ रहा है। तो हमेशा गलती सामने वाले की नहीं होती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू जो मैं बोल रहा हूँ,
ये ऐसा हमेशा नहीं है, हर केस में नहीं है, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है कि आप चेंज हो गए हो और आपका जो चेंज्ड सेल्फ है, जो आपकी बदली हुई पहचान है, वो सामने वाले को अब उतना पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए वो आपके ऊपर से इंटरेस्ट उसका कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर किया, जो फोटो देखी थी आपने, वो जब ऑर्डर सामने से आया एकदम ही अलग है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, आपका भी इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाएगा। अब एक और चीज भी है, जब मैं फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर की बात कर ही रहा हूं, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई नया फोन आपने लिया या फिर कोई नई चीज आपने मंगवाई, उसमें जितना आपका इंटरेस्ट बना रहता है, वो यूज करते करते इंटरेस्ट कम होता है वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। नाउ ये एक जनरल प्रोसीजर है, जनरल प्रोसेस है, इंटरेस्ट कम होगा ही, इसको आप रोक नहीं सकते। जिंदगी भर सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट नहीं शो होगा। अगर प्यार सच्चा है तो प्यार सेम रहेगा आपके लिए, फीलिंग्स हमेशा सेम रहेगी, लेकिन इंटरेस्ट तो धीरे धीरे कम होगा ही, चाहे आप जितने भी सुंदर हो। अगर आपकी दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़का या लड़की से भी शादी हो गई ना, तो आज से एक साल दो साल बाद आपका भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, ये रूल ऑफ नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके मोबाइल में जितने भी एप्स हैं ना, वो खुद को अपडेट करते हैं ताकि आप बोर ना हो जाओ, नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं। आप भी अपनी लाइफ में कुछ नए स्किल्स, कुछ नए बात करने के तरीके, जो आपके वीकनेसेस हैं, उन पे काम कर सकते हो, सोच सकते हो, सोचना हमेशा कि कैसे इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। लेकिन आप इसको, मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसको रोक नहीं सकते, इंटरेस्ट कम होगा ही, ठीक है। आप कर क्या सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि क्या मैं चेंज हो गई हूँ जैसे मैंने पहले बताया, या फिर क्या आप और कुछ नया चीज़ ऐड कर सकते हो अपने में जो हेल्प करे आपको, तो शायद इंटरेस्ट वापस से जनरेट हो, लेकिन फिर कम होगा। सो इसको लेके इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। परेशान तब होइएगा आप जब आपको लगे कि उसका प्यार कम हो गया है, और प्यार कैसे, प्यार कम हुआ है तो उसको कैसे पहचाने, इसके ऊपर अगर कोई आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच।